ममता बनर्जी जो है वो बंगाल का शेरनी है। शेरनी किसी चूहा से नहीं डरता। नरेंद्र मोदी तो चूहा है। नरेंद्र मोदी क्या है? चूहा है। ये तो हमारा, हाँ हमारा नेत्री तो हमारा ममता बनर्जी जो है वो बंगाल का बागे। राजनीति अलग चीज है, परंतु मोदी सरकार ने जो भी वादा किया है उसमें से कोई भी वादा पूर्ण नहीं हुआ है। अगर कोई भी वादा पूरा हुआ है तो वो आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा। क्या आपको 15 लाख मिला? नहीं, हम तो लोगों से पूछ रहे हैं। तो हमें कहाँ से मिलेगा? नहीं मिला, नहीं मिला। तब जो आरएसएस, जो चड्डी गैंग देश की आजादी के बाद वो अपने जब वहाँ पर झंडे नहीं लहरा पाए तो उनके सर छुपाने के लिए अब यही रह गया है, इंडिया हटा के भारत लगाएंगे। ये कि इंडिया का ज्यादा पलड़ा मजबूत है या एनडीए का ज्यादा पलड़ा? इंडिया ऑलवेज इंडिया, और इंडिया इज ग्रेट। आपको लग रहा है कि क्रिकेट का मैच चल रहा है और इंडिया? नहीं नहीं, ये क्रिकेट का मैच अलग है। आप देखिए हमारा क्रिकेट का मैच में जहाँ जर्सी पर इंडिया लिखा रहता था, आज वहाँ ड्रीम 11 आ गया है। आ गया ना, तो वो इंडिया और ये इंडिया में बहुत फर्क है। पास नहीं करता है, अच्छा दिन नहीं आया, 15 लाख करके आदमी का पास नहीं आया है। खाली हिंदू मुसलमान क्या है, जब इलेक्शन आएगा उस टाइम कोई पुलवामा होगा, हाँ कोई पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान करके ही वो पूरा दस आएगा भाई। अभी इंडिया का डर में एनडीए को रात का नींद उड़ गया है। अच्छा, रात का नींद उड़ गया? एकदम देखे थे जाके? नहीं, वो तो एकदम उसका वो जो एनडीए वाले का बातचीत सुन के ही तो पता चल रहा है वो कितना। कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किया, खाली हिंदू मुसलमान क्या है और कुछ नहीं किया। आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं ना, क्यों नहीं ना लगे? क्यों? बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया। हाँ, टमाटर खरीद रही हैं आप लोग? नहीं। जय बांग्ला, जय बांग्ला जिंदाबाद। टमाटर, हाँ समझ कर कहता है दाम 150 रुपया हो गया, की कर 220 रुपया टमाटर, टमाटर हो गया कितना का 200 रुपया किलो टमाटर है। और इतना साग सब्जी में जो आग लगा हुआ है, हाँ मोदी जी जब से, मोदी जी ने जब से भी आए हैं देश के अंदर में तो उन्होंने क्या किया है, सबका पैसा 15 सबका पैसा को निकलवा दिया, नोटबंदी करा दिया, और लॉकडाउन के अंदर में आदमी इतना हजारों लाखों लाख मासूम लोग मर गए, उसके लिए मोदी जी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। राम मंदिर बोलते हैं ये लोग, राम मंदिर हम लोग का हिंदू का आस्था है, उसके लिए हम लोग भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने। हमारी दीदी का भी आस्था है कि राम मंदिर बने। लेकिन ये जो मोदी जी, जो ये क्या नाम है इनका, मोदी जी जो हिंदू, मोदी जी जो हिंदू मुसलमान करते हैं, अच्छा लगता है या खराब लगता है? हमको एकदम खराब लगता है। मोदी जी नहीं है, ये पुराना ही इंडिया है। इस इंडिया को इसलिए क्रिएट किया गया है कि ये जो वाजपेयी सरकार है, जिस तरह से जुल्म और जबर पूरे हिंदुस्तान में बनरोटी के साथ किया जा रहा है, उसके खिलाफ तमाम पार्टी मिलकर एक इंडिया, न्यू इंडिया बनाने जा रही है, जिसको लेकर इस हिंदुस्तान में हम एक नया इतिहास पैदा करेंगे जहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, हर मजहब के लोग मिलने वाले एक साथ रहे। इसलिए ये बताइए कि इंडिया का ज्यादा पलड़ा मजबूत है या एनडीए का ज्यादा पलड़ा मजबूत? इंडिया ऑलवेज इंडिया, और इंडिया इज ग्रेट। आपको लग रहा है कि क्रिकेट का मैच चल रहा है और इंडिया? नहीं नहीं, ये क्रिकेट का मैच अलग है। आप देखिए हमारा क्रिकेट का मैच में जहाँ जर्सी पर इंडिया लिखा रहता था, आज वहाँ ड्रीम 11 आ गया है। आ गया ना, तो वो इंडिया और ये इंडिया में बहुत फर्क है। ये जो आया है, ये आप देखिए किस तरह से हमारे देश को ये मिलकर चलाते हैं। भाजपा के लोगों ने इंडिया हटा के भारत लिखना शुरू कर दिया। भाजपा ही करेंगे, जो आरएसएस, जो चड्डी गैंग देश की आजादी के बाद वो अपने जब वहाँ पर झंडे नहीं लहरा पाए तो उनके सर छुपाने के लिए अब यही रह गया है, इंडिया हटा के भारत लगाएंगे। बीजेपी राजनीति, बीजेपी का धर्म नहीं राजनीति राजनीति करे ना भैया। ये बताइए कि ये एनडीए आएगा या इंडिया आएगा? इंडिया जरूर आएगा, इंडिया आएगा ना। इंडिया तो लगातार पूरे देश भर में बस यही चल रहा है कि एनडीए और इंडिया में कौन कुछ जीत रहा है, कौन कोई आ रहा है, सब लोगों से पूछे। अच्छा बताइए, एनडीए आएगा कि इंडिया आएगा? इंडिया आएगा भाई, अभी इंडिया का डर में एनडीए को रात का नींद उड़ गया है। अच्छा, रात का नींद उड़ गया? एकदम देखे थे जाके? नहीं, वो तो एकदम उसका वो जो एनडीए वाले का बातचीत सुन के ही तो पता चल रहा है वो कितना। कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किया, खाली हिंदू मुसलमान क्या है और कुछ नहीं किया। आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं ना, क्यों नहीं ना लगेगा? क्यों लगेगा आपको? अच्छा लगेगा हिंदू मुस्लिम तो फिर तो
पूछते भी नहीं कौन। अरे विकास करो ठीक रहेगा, विकास नहीं करता है। अच्छा दिन नहीं आया है, 15 लाख कर के आदमी के पास नहीं आया है। खाली हिंदू मुसलमान क्या है, जब भी इलेक्शन आएगा उस टाइम कोई पुलवामा होगा, कोई पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान करके ही वो पूरा 10 साल चला दिया। ममता बनर्जी क्या मोदी जी से डरती है, इस बात का सवाल उठाया जा रहा है। एकदम बिल्कुल नहीं डरते है ममता बनर्जी जो है वो बंगाल का शेरनी है। शेरनी किसी चूहा से नहीं डरता। नरेंद्र मोदी तो चूहा है, नरेंद्र मोदी क्या है, चूहा है ये तो हमारा। हाँ हमारा नेतृत्व तो, हमारा ममता बनर्जी जो है वो बंगाल का बागिनी है, बागिनी है। चलिए अच्छा क्या लग रहा है, कौन जीतेगा 2024? दीदी दीदी जीतवे, दीदी दीदी जीतवे। इंडिया या एनडीए? इंडिया, इंडिया जीतेगा। अच्छा पूरा अभी आप हिंदी बोलता है ना? हाँ। मणिपुर में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसको जो है कपड़े उतार के इस तरह से जो भी बदतमीजी हुई, आपको क्या लगता है कि भाजपा सरकार में लड़कियों के प्रति कितना जहर नफरत क्यों घोला जा रहा है? आप लोगों को भी डर लगता है कभी कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए? हाँ डर लगता है। जब आपने मणिपुर वाला पढ़ सुना है कहीं पर घटना? नहीं अभी तक नहीं सुना है। तो 2024 में आपके हिसाब से दीदी आ रही है? हाँ दीदी आएगी, दीदी आएगी। महंगाई कितना बढ़ गया है 2014 से लगातार? बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया। हाँ तो टमाटर खरीद रही हैं आप लोग? नहीं। जय बांग्ला, जय बांग्ला जिंदाबाद। टमाटर हाँ समझकर कह दो, दाम 100 रुपए हो गया, की कर 220 रुपया टमाटर, टमाटर हो गया कितना का गया? 220 रुपया किलो टमाटर है। और इतना साग सब्जी में जो आग लगा हुआ है, हाँ मोदी जी जब से, मोदी जी ने जब से भी आए हैं देश के अंदर में तो उन्होंने क्या किया है, सबका पैसा 15 सबका पैसा को निकलवा दिया, नोटबंदी करा दिया और लॉकडाउन के अंदर में आदमी इतना हजारों हजारों लाखों लाख मासूम लोग मर गए, उसके लिए मोदी जी ने क्या किया, कुछ नहीं किया। राम मंदिर बोलते हैं ये लोग, राम मंदिर, राम मंदिर हम लोग का हिंदू का आस्था है, उसके लिए हम लोग भी चाहते हैं कि राम मंदिर बने। हमारी दीदी का भी आस्था है कि राम मंदिर बने, लेकिन ये जो मोदी जी, जो ये क्या नाम है इनका, मोदी जी जो हिंदू, मोदी जी जो हिंदू मुसलमान करते हैं, अच्छा लगता है या खराब लगता है? हमको एकदम खराब लगता है। मोदी जी, मोदी जी क्या किए हैं 9 साल के अंदर में, खाली हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान यही किए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किए। और जब से मोदी जी, जब से मोदी जी इस देश के अंदर के प्रधानमंत्री बने हैं तब से आदमी का खाना पीना सब दुश्वार हो गया है। अच्छा, एक बस का काम नहीं है, आदमी के पास में काम नहीं है, बोले से दो लाख हर साल में रोजगार देंगे वो भी नहीं दिए, 15 लाख रुपया 15 लाख मिला क्या? नहीं मिला। 15 लाख चाहिए, 15 लाख। देखिए सबसे पहले राजनीति अलग चीज है, परंतु मोदी सरकार ने जो भी वादा किया है उसमें से कोई भी वादा पूर्ण नहीं हुआ है। अगर कोई भी वादा पूरा हुआ है तो वो आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा। क्या आपको 15 लाख मिला? नहीं, हम तो लोगों से पूछ रहे हैं। तो हमें कहाँ से मिलेगा? नहीं मिला। हम कहाँ से देंगे बताइए, और आप कहाँ से देंगे बताइए। महंगाई इतना महंगाई हो गया कि दीदी जीटा बोले भारत इंडिया को बिक देगा। कौन? इंडिया की, इंडिया, इंडिया, इंडिया जीतेगा, जीतेगा। और इंडिया, इंडिया भी जीतेगा, ममता भी जीतेगा, सरकार इस बार मतलब जोट का आएगा केंद्र में। बारिश शुरू हो गई है और लोग भाग रहे हैं। कंक्लूड करिए, कंक्लूड करिए। हम लोगों के बीच में थे, सवाल पूछ रहे थे। आज ममता बनर्जी का जो भाषण रहा वो ताबड़तोड़ रहा। ममता बनर्जी अपने पुराने अंदाज में नजर आई, जब वो युवा कांग्रेस की सभापति पश्चिम बंगाल की हुआ करती थी तो उसी अंदाज में आज ममता बनर्जी पूरे जोश के साथ नजर आई। ममता बनर्जी ने कहा कि 2024 में इंडिया जीत रहा है और एनडीए हार रहा है। अब सवाल महत्वपूर्ण ये है कि मोदी जी के तरफ एक तरफ गठबंधन 38 लोगों का और इस तरफ गठबंधन है 26 लोगों का। मोदी जी ने एक बार कहा था कि मैं अकेला सब पर भारी हूँ,
अगर अकेले सब पर भारी है तो फिर 38 पार्टियों की गठबंधन की उनको जरूरत क्यों पड़ रही है, ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। ना ही 15 लाख रुपए मिले, ना ही 100 स्मार्ट सिटी मिला, ना ही किसी देश में जो 100 स्मार्ट विलेज बनाने की बात हुई थी ना उसमें काम हुआ। मणिपुर में लड़कियों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है वो कम से कम दंडनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में होते हैं, सिडनी में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, मगर मणिपुर नहीं जाते, और मणिपुर में इसी तरीके से हिंदुस्तान की माँ बहनों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। 60 दिन से मणिपुर आग की तरह पेट्रोल में जल रहा है, मगर उसके बावजूद मोदी जी के तरफ से कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।